नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। स्वराज सेहत के साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। हमारे शरीर में एक अहम पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड, जो तितली के आकार की होती है। यह ग्लैंड शरीर की कई जरूरी गतिविधियों को नियंत्रित भी करती है। थायराइड T3 और T4 थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जो सांस, हार्ट बीट, पाचन तंत्र और शरीर के टेम्परेचर पर सीधा असर करती है। इसके साथ ही हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रित करती है। लेकिन जब शरीर में इन तमाम हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो थायराइड की समस्या होने लगती है। और थायराइड के लक्षण में सबसे आम है जो वजन घटना ही है, और इसके अलावा अनिद्रा और ज्यादा प्यास लगना, पसीना आना, हाथ कांपना, दिल का तेज गति में धड़कना, कमजोरी और चिंताएं शामिल है। थायराइड की बीमारी में महिलाओं को सुस्ती, थकान, कब्ज और त्वचा के रूखेपन की भी समस्या होती है, और इस बीमारी को नजरअंदाज करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरकेजीएफ मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ ENT के हेड प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार जी। राकेश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप इस वक्त अपने टेलीविजन सेट पर जो टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन टेलीफोन नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं और आप जो आपकी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उन थायराइड से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको, उनसे जुड़ा हुआ आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो सीधे आपके सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर राकेश, थायराइड आखिर होता क्या है, इसका हमारे शरीर में किस तरह का उपयोग होता है? मैडम, जैसे हम सब जानते हैं थायराइड एक ग्रंथि है, 15-25 ग्राम की होती है, ये 5x3x2 ये सेंटीमीटर का डायमेंशन है। ये गर्दन में बी सेंटर में थायराइड कार्टिलेज के ऊपर अटैच होता है मैम। अब ये बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड है जिसे थायराइड T3, T4 रिलीज होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स है और जो रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर एंड ग्रोथ। ये कितने तरह का होता है मैडम? थायराइड, जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड इसे ग्लैंड, ये ग्लैंड है, इसमें हार्मोन्स बनते हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं कि तरह का मतलब कि थायराइड में जो बीमारियां हैं या फिर डिफरेंसेस है वो कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली तीन स्टेटस होते हैं थायराइड के। एक होता है हाइपोथायरायडिज्म, जिसमें कि T3, T4 का लेवल गिर जाता है। एक होता है हाइपरथायरायडिज्म, जिसमें T3, T4 का लेवल बढ़ जाता है। एक होता है यूथायराइड, जिसमें दोनों का लेवल नॉर्मल होता है। अब यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी है कि थायराइड अकेला ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है T3, T4 के लिए। बेसिकली तीन ग्रंथियां मिलकर इसको रेगुलेट करती हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, एक होता है पिट्यूटरी, एक होता है थायराइड। ये तीनों में T3, T4 में आयोडीन का जो आयोडीनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, प्रोटीन के साथ उसका जो ग्लोबुलेशन होता है और इकट्ठा होकर वो इकट्ठा होता है थायराइड में फॉलिकुलर सेल में। वहां से हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि सिग्नल देता है पिट्यूटरी को आकर कि भाई थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करो। ये थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायराइड को सिग्नल देता है कि भाई T3, T4 रिलीज कर लिया। तो दिस इज अ नेक्सस, तीनों चीजों का एक साइकिल बनता है, जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में थायराइड लेवल कितना होना चाहिए और कितना है। सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल ऑफ दिस। वही अगर हम जिस तरह से भी हम थायराइड को लेकर बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली देखा जाए तो कौन कौन सी बीमारियां इसमें पाई जाती हैं, और सामान्य तौर पे जो गठान से इसे आपने भी बताया, उसको कैसे पहचाना जाता है? जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है, T3, T4 रिड्यूस हो जाता है। अब T3, T4 अगर रिड्यूस है तो बॉडी में जो इनके एक्शन है मेटाबॉलिज्म पे वो रिड्यूस होते हैं। तो हाइपोथायरायडिज्म के खुद के एक सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को डल लगता है, उसको वेट गेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी स्किन ड्राई हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, कोर्स हो जाता है, लिथार्जिक रहता है, ऐसा लगता है सोया सुस्त सा रहता है। आप उसको जब छू के देखेंगे तो देखेंगे उसकी चमड़ी सूख गई है, बाल बिल्कुल कोर्स हो गए हैं, कंफ्यूज सा है, कोई काम करने का मन नहीं है, ये सारे सिम्टम हाइपोथायरायडिज्म के हैं। इसके जस्ट अपोजिट होता है हाइपरथायरायडिज्म।
आपने सिम्टम्स बता दिए हाइपोथायराइड के, इसका इलाज क्या है? हाइपो जैसा हम बात कर रहे हैं, थायराइड हॉर्मोन्स हैं ये T3 T4। हाइपोथायराइडिज्म मतलब बॉडी में T3 और T4 का लेवल रिड्यूस हो गया। अब इसका सिंपल सा मेजर ये है कि हम ब्लड में उस चीज को मेंटेन कर लें, तो एक्सटर्नली वी सपोर्ट या सप्लाई द हार्मोन। तो हम हार्मोन सप्लाई करते हैं बाय द टैबलेट्स, थायरोक्सिन टैबलेट हम देते हैं। तो दिस इज द वे वी कैन रेगुलेट द हार्मोन लेवल। अगर लेवल ऑफ हार्मोन इज मेंटेन इन द बॉडी तो ये सारे सिम्टम अपने आप चले जाएंगे धीरे धीरे। एंड वाइस वर्सा अगर इसमें ये T3 T4 का लेवल बढ़ जाए तो इसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। इसमें पेशेंट की पिक्चर जस्ट अपोजिट होती है एज कम्पेयर टू हाइपरथायरॉइड। आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त महाराष्ट्र अहमदनगर से, दादा उबाले जी। दादा उबाले जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते सर। नमस्ते। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ऐसा है कि थायराइड की बीमारी होने के बाद इसके कौन कौन से लक्षण हमें नजर आते हैं, इसके बारे में बताइए सर। जी उबाले जी, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी मैंने आपको बताया हाइपोथायरॉइडिज्म के सिम्टम है, इसके अपोजिट में हाइपरथायरॉइडिज्म जिसमें हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, ये सारे सिम्टम है। तो इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, किसी एक जगह नहीं बैठेगा, उसकी स्किन जो होगी वार्म होगी, मॉइस्ट होगी, ट्रेमर्स होंगे उसके हाथ में, तो ये हाइपरथायरॉइडिज्म सिस्टम है सिम्टम्स है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स हाइपरथायरॉइडिज्म के हैं कि हाइपोथायरॉइडिज्म के हैं। फिर हम इसका जब ऐसे करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं T3 T4 TSH का, देन वी फाइंड आउट कि भाई T3 T4 का लेवल कम है, मतलब हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो पेशेंट डल है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसकी स्किन ड्राई हो रही है, वो थोड़ा सा उसको सुस्ता लग रहा है। अपोजिट में जैसे मैंने आपको बताया इरिटेबिलिटी होगी, हाइपरकाइनेटिक पर्सन होगा, बैठे नहीं पाएगा, चलना ही है उसको, उसको बोलना ही है। तो उबाले जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राकेश, खान पान में किन चीजों का परहेज करना चाहिए और विशेष तौर पर हमें क्या कुछ खाना चाहिए इस दौरान? खाने पीने में हमारे बैलेंस डाइट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थायराइड पे इफेक्ट डालती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, थायराइड में एक्चुअली चार चरणों में हार्मोन बनता है। पहले में आयोडिनेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन, फिर उसका कंजुगेशन विद प्रोटीन, फिर उसका रिलीज, ये चार चरण होते हैं थायराइड हार्मोन के अंदर। कोई सी भी ऐसी चीज खाने पीने में जो कि इनको कम्पीट करे, या तो उनको ब्लॉक करे या उनको एग्जेग्रेट करे, ये चीजें हमें इंटरफेयर करेगी इन थायराइड हार्मोन। जैसे कि हम लोग कॉमनली सुनते हैं कि जितने भी क्रूरीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, या अपना पैकेट फूड, ब्रेड, पास्ता, पिज्जा, ये सब चीजें हाइपोथायरॉइडिज्म की तरफ ले जाती हैं हमें, क्योंकि इनमें क्रूरीफेरस में एक ल्यूकोसाइनोलेट करके एक कंपाउंड होता है जो कि कंपीट करता है विद आयोडीन। तो ये करता ही है कि आयोडीन के थायराइड के साथ कंपीट करता है, आयोडीन का कंजम्पशन रोक देता है, तो थायराइड के लेवल बनता ही नहीं T3 T4। सो पेशेंट चला जाता है हाइपोथायरॉइडिज्म। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना है अगर हमें कोई भी सिम्टम हाइपोथायरॉइडिज्म का है। इसके जस्ट अपोजिट में जैसे कि हम यही चीज अगर हाइपरथायरॉइडिज्म में खाएं, किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉइड की स्टेट प्रॉब्लम है, तो हम ये चीजें खाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो बेसिकली जो पैकेट फूड हैं या जैसे क्रूरीफेरस है, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। नॉर्मली भी वैसे अवॉइड करना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेशन एंड सिम्टम हमें अपने फूड सप्लीमेंट को एडजस्ट करना होता है। अच्छा डॉक्टर राकेश, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है और कई दफा भी देखा है कि बहुत लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है, तो जैसे उनका चेहरा स्वेल हो जाना, पैरों में भी स्वेलिंग आ जाना, तो ये फिर किस वजह से होता है? हाइपोथायरॉइडिज्म में ये प्रॉब्लम होती है कि स्वेलिंग इन फेस आती है, स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटी या हैंड में भी आती है। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया T3 जो एक्टिव हार्मोन है अमाउंग T3 एंड T4, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो स्वेलिंग आती है, तो फेस में पफिनेस आएगा, हैंड एंड फीट में, लोअर लिम में पफिनेस आएगा इन हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म में वेट लूज होता है, डायरिया होता है, दैट इज अ डिफरेंट एंटिटी। हाइपोथायरॉइडिज्म में स्वेलिंग आती है, बाल भी झड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं।
अगर वही हम बात करते हैं, क्योंकि अब हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो इस डिस्कशन का हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी सीधे फायदा हो। थायराइड का जो ऑपरेशन होता है वो किन हालातों में होता है या नॉर्मली भी किया जा सकता है? अब थायराइड में हमें ये डिसाइड करना होता है कि पेशेंट हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है या यू थायराइड है। यू थायराइड मतलब नॉर्मल थायराइड है। इसके अलावा एक और चीज डिसाइड करनी होती है हमें कि पेशेंट को थायराइड का कैंसर या मैलिग्नेंसी डेवलप तो नहीं हो रही। तो सर्जरी के इंडिकेशन में पहला इंडिकेशन तो होता है फ्रैंक मैलिग्नेंसी, पेशेंट को कैंसर है तो यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। सेकंड इंडिकेशन होता है अगर आपको शंका है कि पेशेंट को कैंसर है तो सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी हो सकता है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है कंप्रेशन इफेक्ट। पेशेंट को गर्दन में बड़ी ग्रंथि है, बड़ा नोड है, बड़ा स्वेलिंग है, और जो उसको खाना गुटकने में तकलीफ है, सांस लेने में उसके वजन पड़ रहा है, पेशेंट हाथ ऊपर कर रहा है तो सिर्फ सांस रुक रही है, तो दिस इज द रीजन। और जो चौथा रीजन होता है वो होता है कॉस्मेटिक। अगर किसी को बहुत बड़ी ग्रंथि है और उसको लगता है कि नहीं भाई अच्छी नहीं लगती है, तो कॉस्मेटिक रीजन कैन बी द रीजन ऑफ सर्जरी। सो डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंडीशन है और हमें कैसी सर्जरी करनी है, हम सर्जरी डिसाइड करते हैं, वी ऑपरेट द थायराइड। तो थायराइड से कैंसर भी हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। थायराइड में दो तरह के सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल। इनमें किसी में भी मैलिग्नेंसी डेवलप हो सकती है। मैलिग्नेंसी में भी सबसे कॉमन जो होती है फॉलिकुलर सेल कार्सिनोमा कहते हैं हम लोग। ये 65-75% मैलिग्नेंसी को अकाउंट करती है। मतलब थायराइड की 70% कैंसर फॉलिकुलर कैंसर होता है और पेपिलरी कैंसर होता है। ये दोनों मिलाकर हम देखें तो 90% कैंसर ये होता है। पैराफॉलिकुलर मेडुलरी कैंसर जो होता है वो इट कंट्रीब्यूट 3-5%। सो कैंसर, अब कैंसर की अपनी खुद की हिस्ट्री होती है, या तो जेनेटिक है, फैमिलियल है, या किसी का एक्सपोजर है टू आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि किसी की रेडियोथेरेपी हुई है बचपन में, या रिसेंटली किसी को कैंसर हुआ हेड नेक का, उसने रेडिएशन थेरेपी करवाई। सो इट कैन बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन कार्सिनोमा थायराइड ऑल्सो। या फिर कोई गोइट्रोजन खा लिया, कार्सिनोजन ले रहा है वो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि कैंसर को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो फिर इसका इलाज किस तरह से होता है? जैसा मैंने आपको बताया, इफ द कैंसर इज कंफर्म, अगर कैंसर कंफर्म है तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट तो सर्जरी। और आपको आप इसको ऐसे समझें कि जैसे किसी अगर पुरुष को या महिला को कोई गिठान है, अधिकतर थायराइड महिलाओं में ज्यादा होती है, इट इज 3:1 रेशियो जनरली। सो अगर किसी को गिठान है तो हमें पहले इसमें से देखना पड़ता है कि यह थायराइड है कि नहीं है। फिर अगर थायराइड है तो कौन सा थायराइड है, थायराइड में फिर उसका ब्लड एस्टिमेशन करवाएंगे। ब्लड एस्टिमेशन में थायराइड के अगर हार्मोन डिस्टर्ब हैं तो हम इसको कंसीडर करेंगे इनटू हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हमें लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है तो हम इसका बी स्कैन करवाएंगे, थायराइड स्कैन करवाएंगे। थायराइड स्कैन में हमें देखना पड़ता है जो ग्रंथि नोड बन गया है वो सॉलिड है कि सिस्टिक है। सिस्टिक है तो फिर हम उसको एस्पिरेट करते हैं कि भाई क्या है उसमें, उसमें सिस्ट बना है या हिमरेज है या पस है या लिपिड है, क्या है। अगर वो नोड है, सिस्ट नहीं है, तब हम देखते हैं कि हॉट नोड है या कोल्ड नोड है। अब ये नोड में ज्यादा संभावना होती है कोल्ड नोड में कि कैंसर हो। ये कोल्ड नोड मतलब ऐसा नोड, ऐसी गठान गर्दन में जो कि थायराइड का अपटेक ज्यादा नहीं कर रही है, कोल्ड पड़ी हुई है वो, तो इसमें संभावना मैलिग्नेंसी की कई गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू वो जो गर्म रहती है या जो आयोडीन अपटेक करती है। अब हमें यहाँ पर एफएनएसी करवानी होगी और फिर हमें देखना पड़ेगा कैंसर कौन सा है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द कैंसर, अगर फॉलिकुलर कैंसर है या पेपिलरी कैंसर है तो सर्जरी करिए, इट इज वेरी गुड। अगर मेडुलरी कैंसर है या हर्टल सेल कैंसर है तो फिर उसके लिए आरटीसीटी भी करनी पड़ती है अलॉन्ग विद सर्जरी। क्या कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं इन सर्जरीज के, अगर क्योंकि हर किसी की बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है, तो अगर किसी को साइड इफेक्ट्स होते हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो तब क्या एहतियात बरतना चाहिए? बेसिकली शरीर में नए एक ऐसी जगह है जो कि कनेक्ट करती है हेड को बॉडी के साथ। मतलब आप, हम लोग जो अपने मरीजों को समझाते हैं वो ये समझाते हैं कि फेस आपका मॉनिटर है और बॉडी आपकी सीपीयू है, इसके बीच में कनेक्शन है। तो नेक इतनी कंप्रेस स्ट्रक्चर है कि पहली चीज तो इसका ऑपरेशन अगर आपको अच्छा से आता है तो ही करें, अदरवाइज इट इज वेरी रिस्की। दूसरा, अगर आपने ऑपरेशन किया है तो जैसे सामान्यतः ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हेमेटोमा फॉर्मेशन होना, सूचर टूट जाना, इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना,
ये सारे चेंजेस हो सकते हैं, या फिर कई बार हमने देखा है कि ऑपरेशन किया रिकरेंस हो गया। अब रिकरेंस कैन बी बिकॉज ऑफ कि भाई टिश्यू छूट गया वहां पर, या फिर से रीग्रो कर गया, डिपेंडिंग ऑन। जैसे थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, अगर आपने थायराइड निकाल भी दिया और वो वहां बन रहा है तो वो फिर से नोड लेकर आएगा। इट इज अ रिसर्च। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जैसे रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है, वो डैमेज हो जाए तो पेशेंट का बोलना, उसकी आवाज में परिवर्तन आ जाएगा, या अगर सुपीरियर लेरिंजियल नर्व उसकी हो जाए तो उसको खाना घुटकने में तकलीफ होगी, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बोलने में तकलीफ हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट हाँ, सर्जरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ कैंसर, या फिर ऐसे नोड जो कि दवाई से ठीक नहीं हो रहे उनको निकालने। एग्जैक्टली, अभी आपने जिस तरह से कहा कि वॉइस का चेंज हो जाना, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनके गले में, मतलब उनको ये लगता है कि कुछ चुभन सी हो रही है, अगर वो इवन पानी पीते हैं या स्लाइवर लेते हैं अंदर, अगर उसको इंटेक करते हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है थायराइड का? बेसिकली या मैं बताऊं कि बाहर में अगर वॉइस में अंतर आ रहा है तो प्राइमरी फेसिली तीन चीजें हो सकती हैं। या तो वो मैलिग्नेंसी है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन है इनटू वोकल कॉर्ड। जनरली अगर कोई किसी को बिठाने गर्दन में तो जब तक उसको कंप्रेशन इफेक्ट नहीं आएगा तब तक उसकी वॉइस चेंज नहीं होगी, उसको खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कंप्रेशन इफेक्ट आता है जब वो बहुत बड़ी ग्रंथि जाती है, तब तक पेशेंट मेरे ख्याल से नहीं रुकता है। द मोस्ट कॉमन इज मैलिग्नेंसी। अर्ली स्टेज में पेशेंट की आवाज खड़खड़ाने लगे, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो, पेशेंट पानी गुटकने की कोशिश करे तो उसको खांसी आने लगे, ये रीजन होते हैं। या एक और रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल थायराइड। 3,000 से 4,000 लोगों में से एक में किसी में होता है। गर्दन के अंदर थायराइड होता है, नेक में तो होता ही है, अंदर होता है लिंगुअल थायराइड। इस कंडीशन में होता है कि जवान के पीछे बेस ऑफ टंग पे थायराइड ग्रो करता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे साइज बढ़ाता है पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर वो खाना नहीं खा पाता, फिर उसे सांस घुटती है, फिर इसको ऑपरेट करना पड़ता है थायराइड देखकर। सो अगर किसी पेशेंट को वॉइस चेंज है तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि कोई मैलिग्नेंसी तो नहीं है या कंप्रेशन इफेक्ट क्या है। जैसा भी उसका रीजन होगा वैसा उसका ट्रीटमेंट करा जाए, क्योंकि हमने इंडिया में देखा और स्पेशली हमने जो हाउस वाइफ है उनमें देखा है कि ब्लड प्रेशर और थायराइड, अगर ये दोनों ही चीजें एक साथ है तो बहुत ही कैजुअली ही लेते हैं, जिस तरह से जो मेडिसिन लेना चाहिए वो कुछ ऐसी मेडिसिन रहती हैं कि नाश्ते के पहले लेना या नाश्ते के वक्त लेना है तो उसको भी मतलब स्किप कर देती हैं कि चलो ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि हाँ ठीक है हम ले लेंगे ठीक हो जाएगा। तो क्या इतने ही कैजुअली लेना चाहिए इन सारी चीज़ों को? थायराइड को लेके मैम आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। थायराइड को लेके बड़ा बहुत ही एस्टेब्लिश फैक्ट है रिसर्च में कि फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर थायराइड डिसीज डिसऑर्डर्स एज कम्पेयर टू मेल। उसके एक रीजन तो यही है कि इग्नोर करती हैं ये महिलाएं। दूसरा होता है इन महिलाओं में एंटीबॉडीज मिलता है ऑफ थायरोग्लोबुलिन या फॉलिकुलर सेल का। सो ये एंटीबॉडी टाइटर जो होता है ये फीमेल को ज्यादा प्रोन करता है टुवर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म एज कम्पेयर टू मेल। बहुत कम आपने अधिकतर देखा होगा किसी महिला को डिलीवरी हुई उसके बाद उसका थायराइड लेवल बिगड़ गया। तो रीजन इज द सेम, पोस्टपार्टम थायरॉयडिज्म बोलते हैं इसको हम लोग। हाइपरथायरॉयडिज्म पे पेशेंट जाएगा, फिर हाइपो में जाएगा, फिर नॉर्मल में आएगा। इस बीच में अगर उसने केयर नहीं करी तो ये कंटिन्यू कर जाता है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप रह जाता है या हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप रह जाता है। सो बेसिकली फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर थायराइड डिसऑर्डर और इनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और प्रेगनेंसी के समय स्पेशली स्क्रीनिंग करवाई, क्योंकि थायराइड में अगर प्रॉब्लम है आपके प्रेगनेंसी में तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर प्रॉब्लम है महिला को प्रेगनेंसी की तो बच्चा मंदबुद्धि होगा, हाइट नहीं होगी उसकी, उससे ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होती। इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल टू गिव अटेंशन टू कि भाई उसको थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है एज कम्पेयर टू मेल। अब इसी ड्यूरेशन में अगर जिस लेडी को थायराइड का प्रॉब्लम है और वो प्रेगनेंट भी है तो फिर क्या और खाना पीना होना चाहिए, किस तरह का डाइट होना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस बरतना चाहिए? जैसा हमने शुरू में बात की थी, कुछ चीजें होती हैं जो थायराइड के एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करती हैं, आयोडीन का T3-T4 में कन्वर्जन को रोकती हैं, कम्पीट करती हैं। तो हमें ऐसी सारी चीजें जैसे कॉफी हुआ, पिज्जा, पास्ता, ब्रेड और जितने बेक्ड फूड होते हैं, ब्रोकली, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। अगर पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की संभावना लग रही है, उनको लग रहा है कि थायराइड कमी है,
लेकिन अगर उनको लगता है थायराइड ज्यादा है, हाइपर थायराइडिज्म की तरफ, ये सब चीजें लेनी है। सो डिपेंडिंग ऑन के कंडीशन कैसी है, आपको डिसाइड करना है कौन सा फूड सब्सटेंस आपको लेना है और कौन सा नहीं लेना है। लेकिन साथ में प्रेगनेंसी में आप स्क्रीनिंग रेगुलरली करवाइए, अगर थोड़ा सा भी लगता है तो कुछ चीजें जैसे सेलेनियम बहुत अच्छी चीज है, प्रोटीन लीजिए, विटामिन लीजिए, सप्लीमेंट, ये सब चीजें लीजिए आप, ताकि आपको परेशानी ना हो और आगे आपके जो बच्चा है उसमें कोई परेशानी ना हो। कॉलर जुड़ गए हैं भोपाल से, रोहित है। रोहित बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। सर मुझे थायराइड है और मोटापा काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो पर वो कंट्रोल हो नहीं पा रहा, मतलब दवाइयां तो थायराइड की चल रही हैं, लेकिन मोटापे को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँ? रोहित जी जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसकी आप टेबलेट ले रहे हैं। सो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आप रेगुलरली ऐसे करवाइए कि क्या रीज़न है कि आपका वेट गेन हो रहा है लगातार और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। बेसिकली हम दवाई देते हैं दो चीज़ों के लिए, एक होता है फंक्शनली यू थायरॉयड लेवल मेंटेन करना, मतलब पेशेंट का कोई सिम्टम्स ना आए और वो क्लिनिकली साउंड हो। दूसरा होता है बायोकेमिकली उसको मेंटेन करना, मतलब ब्लड के लेवल पर हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहे। सिम्टम इज डिफरेंट थिंग, सिम्टम आए ना आए उसके ब्लड में भी हार्मोन नॉर्मल रहे। सो बायोकेमिकली प्लस फंक्शनली हमें थायराइड के लेवल का एस्टीमेट करिए रेगुलरली, और अगर बैलेंस है उसके बाद भी हो रहा है तो फिर आप एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी टेस्ट जरूर करवाइए। कई बार ऐसा भी होता है कि थायराइड का हार्मोन का लेवल तो नॉर्मल है पर बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो रहा है आपको, या ऑटोइम्यून कंडीशन डेवलप हो रही है, तो एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी ऐसे करवाइए ताकि पता चल सके रीज़न क्या है। और इसके अलावा भी कोई दूसरे रीज़न हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अलावा वेट गेन के, उसको असेस करिए। बहुत शुक्रिया रोहित जी कॉल करने के लिए। दयाराम जुड़ गए हैं सीहोर से। दयाराम जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार सर, मुझे डायबिटीज़ उस चीज़ को मैं कैसे कंट्रोल करूँ? दयाराम जी, डायबिटीज़ और थायराइड ये जो बड़े मेजर कंसर्न हैं। डायबिटीज़ के लिए आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना होता है, ब्लड में ग्लूकोज किस लेवल पर है खाने के पहले खाने के बाद। तो बेहतर ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किसी डायबिटोलॉजिस्ट को मिलिए और उनसे पता करिए कि आपको डायबिटीज़ का रीज़न क्या है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, मेंटेन करना है या ठीक करना है उसको। अगर आपको इसके अलावा थायराइड भी है तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हर 3 महीने में एक थायराइड का ऐसे करवाइए, क्योंकि डायबिटीज़ एंड थायराइड अगर दोनों मिल जाएं तो इट इज़ अ डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट। तो बेहतर है आप रेगुलरली ऐसे करवाते रहिए, ब्लड ग्लूकोज का भी, HbA1c भी करवाइए और थायराइड टेस्ट भी करवाइए। बहुत शुक्रिया दयाराम जी हमें कॉल करने के लिए, डॉक्टर राकेश, क्योंकि हम कार्यक्रम के अब आखिरी पड़ाव पर हैं। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? थायराइड को लेकर जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर गर्दन के गिठान थायराइड नहीं होती है, लेकिन हर गिठान को आपको सीरियसली लेना है, पता करना है क्या है, क्यों है और उसका बराबर इलाज करवाइए स्क्रीनिंग के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमारे दर्शकों को इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सेहत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।